नेता बृजभूषण शरण सिंह आज हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने नंदी नगर में कोई प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया था, काफी संख्या में यहाँ बच्चे मौजूद थे। पहले जानते हैं कि कैसा कार्यक्रम था, उसके बाद और भी कुछ सवाल उनसे करेंगे यहीं से जुड़े हुए। नेताजी आज कैसा कार्यक्रम था? विगत 23 साल से देवीपाटन मंडल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर मैं किसी न किसी बहाने कोई कार्यक्रम करता रहता हूँ। आज ये कर्नलगंज ब्लॉक के लगभग 19 कॉलेज के जो प्रथम श्रेणी में प्राप्त बच्चे हैं उन सबों को बुलाया गया था और इनको सम्मान किया गया है। ये कार्यक्रम हमेशा होता रहता है लगभग 23 साल से। आमतौर पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, क्या मोटिवेशन होता है आपका बच्चों का? देखिए, बच्चों का मोटिवेशन तो मुख्य रूप से ये होता है कि बच्चे सीरियस हों और सबसे पहले वो अपने बारे में जाने। आज ज़्यादातर बच्चे सीरियस नहीं हैं और चकाचौंध दुनिया में इधर उधर भटक रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई अपने माता पिता की परिस्थिति का ध्यान करो, फिर अपनी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति का ध्यान करो, इससे कैसे आगे निकला जाएगा। जो कुछ भी जीवन का अनुभव है मैं इनसे शेयर करता रहता हूं। आमतौर पर नेताजी देखा जाता है कि बच्चों की सेहत को लेकर आप काफ़ी सजग रहते हैं और उनको सेहत के प्रति काफ़ी जागरूक करते रहते हैं, जैसे कि दूध दही घर में ही गाय पालें। तो आज आपने उन्हीं गाय को लेकर कहा कि जो गाय अब इस समय चौराहे टहल रही है उन्हीं को पकड़ लाएं, क्या कहना था आपका? किस तरह काफी बच्चे पकड़ते हैं जी? हमारे कहने पर कई बच्चे ऐसे हैं जो गायें लावारिस लोग छोड़ देते हैं, उनको पकड़ते हैं। अभी करदा के 2 बच्चों ने पकड़ा था, पकड़ करके वो आए, मैंने उनको सम्मानित किया। मैं गांव में भी जाता हूं ऐसे बच्चों को, या जो लोग चौराहे से गाय ला करके पकड़ लाते हैं उनको मैं अपनी तरफ से सम्मानित करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ। और इससे काफ़ी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि जो लोग छोड़ते हैं वो ये लोग सोच जानकर छोड़ते हैं इसको मैं पकड़ लूंगा, तो मैं कहता हूं तुम पहले पकड़ लो, तो पकड़ जाती है। हमारे गोंडा जिले में ये परंपरा चल रही है, बहुत बच्चे गायें जो है जो दूध देने वाली हैं या दूध दे सकती हैं या जो बछिया हैं उनको हमारे जिले में पकड़ लेते हैं। ये अभियान मैंने चलाया। सही भी है कि जो बछिया या जो गाय दूध दे रहे हैं उनको पकड़ के रख लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूपी सरकार की गौशाला की योजना थी, चूंकि आपने भरे मंच से कहा कि कर्नलगंज चौराहे चचरी माझा चौराहे करदा के 2 बच्चे अभी पकड़ के लेके आए हैं, तो जो गौशाला की नीति थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की या यूपी सरकार की, काफी हद तक फेल है? नहीं, वो चल रही है, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या हो गई है, इतनी ज्यादा संख्या हो गई है कि गौशाला में सारे जानवर नहीं आ सकते हैं। अगर कोई कहता है नहीं गौशाला में सारे जानवर आ जाएंगे तो गलत है, गौशाला में जानवर नहीं आ सकते, हर चौराहे पर बैठे हैं। नेताजी एक अंतिम सवाल, जम्मू कश्मीर में आप कैसे देख रहे हैं, क्या होने वाला है? जम्मू कश्मीर में मैं अच्छी स्थिति देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी। हरियाणा में आज पोलिंग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे हरियाणा चुनाव पे? हरियाणा चुनाव पे खाली हरियाणा पर बोलना मना है मुझे। कितनी सीटें भाजपा ला रही है, बहुमत की सरकार आ रही है, 3-4 घंटा बचा हुआ है, बोलना मना है। फिर भी अच्छा, जिस तरह देख रहे जिस तरह नक्सलियों को लेकर ये कार्य किए जा रहे हैं, लगभग 31 नक्सली मारे गए हैं, सरकार कह रही है कि हम नक्सलियों के प्रति पूरी तरह से सजग हैं और ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। देखिए, देश की चाहे नक्सलियों की बात हो चाहे सीमा की बात हो, इस पर ये सरकार मोदी सरकार लगातार काम करते आ रही है लगातार। अभी आप देखिए दिल्ली में कितना ड्रग्स बरामद हुआ है, इतना बड़ा ड्रग्स कभी बरामदे नहीं हुआ है, तो देश के हर मोर्चे पर सरकार काम कर रही है। केजरीवाल भी प्रचार कर रहे हैं, केजरीवाल क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं बेचारे, जब तक अंदर थे मुख्यमंत्री थे, जब बाहर आए तो इस्तीफा हो गया। तो ये थे हमारे साथ सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी, जिन्होंने काफी मुद्दों पर अपनी बातें रखी। उन्होंने हरियाणा चुनाव को हालांकि लेकर ये कहा कि अभी आने वाले कुछ ही घंटों में पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। फिलहाल उन्होंने हरियाणा मुद्दे पर यह साफ कह दिया कि उन्हें हरियाणा के मुद्दे पर बोलने से मना है। सांसद जो पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जो मंच से गायों को लेकर जो बात कही थी उस पर भी उन्होंने कहा कि गायों की संख्या इतनी बढ़ गई है प्रदेश में कि उनको गौशालों में व्यवस्थित रखना कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।